फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक फेस मास्क लेके आई हूँ, रेडीमेड फेस मास्क लेके आई हूँ। आज हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे, एक फेस मास्क का रिव्यू करेंगे और देखेंगे ये फेस मास्क कितना अच्छा हमारी स्किन के लिए कितना नहीं। सो ओजोन सैंडल फेस पैक स्किन लाइटनिंग एंड रेडियंस। सो ये फेस पैक जो है आपको आराम से मार्केट से मिल जाएगा, जस्ट 25 रुपीज का ये है और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में है। मतलब सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन की जो लकड़ी है उसका पाउडर फेस मास्क आपको पता है कितना अच्छा होता है। सो ये मेरे को वही सैंडल जो है, सैंडलवुड पाउडर जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसमें मिलेंगी। ये काफी अच्छा होता है हमारे फेस के लिए। सो 25 रुपीज का है जस्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ ये स्किन को क्लियर करेगा, रिफ्रेश करेगा। जो आपका सैंडलवुड पाउडर है डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करेगा, स्किन को क्लीन करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा और साथ में इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। और बेसिकली अगर मैं इस पैकेज की बात करूं, ये सिंपल सैंडलवुड पाउडर नहीं है, इसमें कुमकुम है, इसके अलावा ये सैंडलवुड है, एलोवेरा है, टर्मरिक है और भी बहुत सारे क्लॉन्जी सीड्स हैं, नीम लीव्स हैं। मतलब ओवरऑल ये काफी अच्छा है अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उनके लिए काफी अच्छा है बेसिकली। और इसके अलावा लिखा हुआ है कि आप अगर इसको कैसे यूज करना है, ये प्रॉपरली यहाँ पे मेथड यूज किया हुआ है। सो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करने के लिए बोला गया है और कितनी कब यूज करने के लिए, कितनी देर वीक में यूज करें, ये भी हम सब कुछ देखेंगे इसमें। सो फ्रेंड यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास सैंडलवुड पाउडर लिया क्योंकि मेरी स्किन पे इतना काफी है। सो इसके अंदर मैं रोज वाटर ऐड करूंगी। मैं यहाँ पे पतंजलि गुलाब जल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी जो है कंपनी का गुलाब जल यूज कर सकते हैं, फ्रेश गुलाब जल है आपके पास वो भी यूज कर सकते हैं, सब टू यू। सो इसको कुछ इतना डालिए कि ये अच्छी कंसिस्टेंसी में एक फेस पैक रेडी हो जाए। मुझे एक्चुअली अपने सारे ही जो प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे जितनी चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है मैं सिर्फ उतना ही बनाती हूँ। सो मैंने कुछ इसको इस वे से बना लिया है। लेट्स चेक कि ये प्रॉपरली मिक्स हो गया है या नहीं हुआ है। सो आई थिंक काफी अच्छी कंसिस्टेंसी में रेडी हो गया है। यस, सो इसको अब मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी और देखेंगे इसका इफेक्ट कैसा आता है। जैसे उन्होंने लिखा है ग्लो, रेडियंट और समथिंग, देखते हैं, चेक करते हैं ऐसा है या नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे अपने फेस मास्क जितने भी होते हैं उनको एक बार अपनी स्किन पे कुछ इस वे से मसाज करना बहुत पसंद है, ताकि उसके सारे इंग्रेडिएंट प्रॉपर्टीज मेरे फेस के अंदर अच्छे वे से जा सके। सो इसके बाद मैं इसको लीव कर दूंगी, जैसे कि इसके पैक के ऊपर लिखा हुआ है कितने मिनट लीव करना है, 10 to 15 मिनट लीव करना है। सो मैं इसको लीव कर दूंगी। अभी मैं इसको अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको 15 मिनट्स के लिए लीव कर दूंगी और देखूंगी इसका इफेक्ट कैसा आता है मेरी स्किन के ऊपर। सो 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। मेरी स्किन पे मुझे कुछ इस वे से ग्लो एंड बहुत ज्यादा रेडियंस तो नहीं दिखा है। स्किन काफी स्मूथ लग रही है, लेकिन थोड़ी सी मुझे ड्राई लग रही है, मेरी स्किन पैची सी लग रही है इसको यूज करने के बाद। सो ये था मेरा, ऑफकोर्स ये कुछ स्किन ब्राइट कर रहा है, लेकिन अगर मैं बोलू कि ग्लोइंग वो नहीं इसने किया है। सो थोड़ी सी मैंने बोला कि ड्राई ड्राई भी है, अगर आप इसको यूज करना होगा ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो उसी टाइम पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए अपनी स्किन पे इस मास्क को यूज करने के बाद। सो ऑयली स्किन के लिए तो मतलब परफेक्ट है ये, ऑयल को एकदम से आपकी स्किन से बाय बाय बोलने वाले। ऑनेस्ट रिव्यू ओजोन फेस पैक का। सो ये जिसके अंदर की है सैंडलवुड पाउडर, ये उसका एक रिव्यू था। मुझे इसके ऊपर लिखा हुआ था स्किन लाइटनिंग, मुझे बिल्कुल लगा। लेकिन मैं रेडियंस की बात करूं, ग्लोइंग की बात करूं, तो ऐसा मुझे फेस पे बहुत ज्यादा नहीं मिला है। सो आप भी इसको ट्राई करिएगा, आप बताइएगा आपकी स्किन पे कितना ग्लो लेके आई है। मुझे तो जैसा लगा मैंने आपको बता दिया हुआ है। आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।